नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। दोस्तों तस्वीरों में जो आप सभी को दिख रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो CRD गाड़ी का इंजन है। और दोस्तों इस गाड़ी का इंजन को हम फुल इंजन का ओवरहॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं इंजन जो है इसे हम खोल के बाहर निकाले हुए हैं। और बाहर निकालने के बाद इंजन का जो ब्लॉक है उसे हम धो के और क्लीन करके रखे हुए हैं। दोस्तों इस गाड़ी में आप सभी को बता देते हैं इंजन हम इसलिए खोले हुए हैं ताकि इसका जो इंजन जो है वो सीज हो गया था। और सीज किस कारण से हुआ था वो भी हम आप सभी को बताएंगे इसी वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं जब इंजन को हम खोले हुए थे उस समय हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा था, इसी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को दिखा देंगे कि गाड़ी के अंदर क्या नुकसान हुआ था और किस कारण से सीज हुआ था। और दोस्तों इंजन ओवरहॉल करते समय हम जितना इसमें पार्ट होता है वो सब पार्ट हम इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं, थोड़ा पार्ट जो है उसमें हम पुराना भी लगा के और इंजन को जो है ओवरहॉल कर रहे हैं। और कौन कौन सा पार्ट इसमें हम चेंज किए हुए हैं चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए। इसके अंदर से चारों लाइनर जो है, चारों लाइनर को दोस्तों फोर सिलेंडर का गाड़ी होता है और सभी लाइनर को हम इसके अंदर से ताकि दोस्तों यहाँ पे जो रिंग होता है, रिंग गाड़ी जो है सीज हुआ था और हीट भी हुआ था तो इसका जो रिंग है वो कट जाता है। तो इसके पहले मैं आप सभी को वीडियो बनाया हुआ था, दिखाया हुआ था महिंद्रा स्कॉर्पियो वो भी थी और उसके अंदर जो है ऑयल और पानी दोनों मिक्स कर रहा था और दोस्तों लाइनर और ओ रिंग की वजह से ही कर रहा था। तो हम उसमें आप सभी को बताए हैं तो इसलिए हम सभी लाइनर को बाहर निकाल के और इसे सफाई करके और फिर जो है पुराना वाला लाइनर जो है, तीनों लाइनर को हम पुराना चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब देख लीजिए दोस्तों इसी में कई लाइनर है और एक लाइनर जो है हमारा ख़राब हो गया था, इसी की वजह से तीन लाइनर जो है इसे यही लगा रहे हैं और एक लाइनर जो है न्यू चेंज कर रहे हैं। तो पहले जो पुराना वाला है इसमें हम रबड़ को लगा दिए हैं, लाइनर ओरिंग जो होता है इसे हम लगा दिए हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर हल्का हम बोंड लगाएंगे और बोंड लगाने के बाद यहाँ पे इस जगह पे फिट करेंगे। अब चलिए पहले इसके ऊपर बोंड लगा लेते हैं और फिर उसे फिट करते हैं। दोस्तों इसमें फिट करने के लिए ग्रीस भी लगा के हम फिट कर सकते हैं लेकिन लाइनर जो है पुराना हो चुका है, इसी की वजह से इसमें थोड़ा कचरा वचड़ा रहता है, इसी की वजह से इसे सफाई किए हैं। पर उतना ज़्यादा जितना लाइनर न्यू होता है उतना फ्रेश होता है, उतना ज़्यादा कोई भी सफाई करेगा तो उतना क्लीन नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से इसके ऊपर हल्का हम बोंड लगा देंगे ताकि लीक करने का संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो चलिए पहले बोंड लगा के और फिर इसे हम फिट करेंगे यहाँ पे ब्लॉक के अंदर। अब चलिए कैसे फिट करना है वो तो आप सभी को पता ही होगा, इसके ऊपर बोंड लगा के और इसमें जो है बैठा देना है। अब चलिए क्रेंक जो है, क्रेंक हमारे इस गाड़ी का जो है बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। क्रेंक जो है गाड़ी जब इंजन सीज हुआ था तो बिल्कुल क्रेंक ख़राब, सब देख लीजिए क्रेंक जो है गाड़ी के हम कबाड़े में कटी हुई थी वहाँ से ओरिजिनल क्रेंक बिल्कुल लिए हुए हैं। क्रेंक जो है न्यू नहीं है बल्कि क्रेंक जो है ओरिजिनल है, बिल्कुल गाड़ी के साथ से हम इंजन से निकलवा के और खुद लेके आए हुए हैं। और दोस्तों स्टैंडर्ड साइज है, यहाँ देख लीजिए इसका बैरिंग हम जो है मेन बैरिंग और बिगिन बैरिंग सभी बैरिंग को चेंज किए हुए हैं। और बैरिंग का कंडीशन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, इसी से पता पड़ जाएगा कि क्रेंक जो है स्टैंडर्ड साइज है कि। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए क्रेंक जो है बेनारा कंपनी, दोस्तों क्रेंक नहीं बल्कि इसका जो बैरिंग है वो स्टैंडर्ड साइज है, बेनारा कंपनी का है। तो दोस्तों क्रेंक जो है वो भी बिल्कुल ओरिजिनल है और स्टैंडर्ड साइज में है, बिल्कुल नए न्यू क्रेंक है, चकाचक है। तो सभी बैरिंग जो है यहाँ पे हम इसको चेंज कर दिए हैं, थसवासर चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे पल्ला को क्रेंक को टाइट करने के लिए धो के क्लीन करके रखे हुए हैं। अब पिस्टन जो है दोस्तों यहाँ पे आप सब देख लीजिए इसका जो पिस्टन है, पिस्टन भी हम पुराना वाला ही रखे हुए हैं क्योंकि एक पिस्टन जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था, वो भी पिस्टन हम कबाड़े की दुकान से ही लेके आए हुए हैं। यहाँ देख लीजिए इंजन कटा हुआ था और बिल्कुल इंजन जो है फाइनल था उसी में से खुलवा के हम लेके आए हुए हैं। तो पिस्टन जो है उसको सबको क्लीन करके रखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। अब जो है हम इसी के अंदर रिंग जो है, रिंग को डाल देंगे और उसी लाइनर के अंदर फिट कर देंगे, एक लाइनर जो है उसे न्यू चेंज कर रहे हैं। अब चलिए जो पार्ट इसके अंदर ख़राब हुआ था उस सभी को हम आप सभी को दिखा देते हैं कि क्या क्या पार्ट इसमें ख़राब हुआ था जब हमारा इंजन सीज हुआ था। और साथ में दोस्तों एक बात और बता देते हैं, इसका जो हेड है, हेड को हम बिल्कुल फाइनली काम करवा दिए हैं, वाल सीट गाइड और वाल सीट सभी को चेंज कर दिए हैं, उसको भी फिट करेंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अभी जो है इसे रखे हुए हैं।
अब एक चीज़ और आप सब देख लीजिए, इसका जो ऑयल पंप होता है उसे भी हम बिल्कुल खुलवा के और सफाई करवाए हुए हैं। नहीं तो दोस्तों इंजन जब सीज होता है तो इसके अंदर जो है बुरादा खींच लेता है तो ऑयल पंप खराब हो जाता है और ऑयल उठाने का संभावना कम हो जाता है, तो इसलिए उसे धुलवा के और बिल्कुल क्लीन करवा दिए हुए हैं हम खुलवा के, ताकि बिल्कुल चकाचक से आसानी से इंजन ऑयल उठाना सही रहेगा। अब यहाँ पे आप सब देख लीजिए जो पार्ट खराब हुआ था, यहाँ लाइनर आप सब देख सकते हैं, लाइनर एक जो है बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है और इसी लाइनर के अंदर यहाँ ये पिस्टन का कंडीशन आप सब देख लीजिए, ये जो है टूटा हुआ है, सीज हुआ है। अब आगे चलिए क्रैंक का कंडीशन आप सभी को दिखा देते हैं, और यहाँ पे हम रखे हुए हैं क्रैंक, और क्रैंक का कंडीशन यहाँ आप सब देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए आप लोग, क्रैंक जो है इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि ये बिल्कुल चलने का लायक नहीं है, बिल्कुल बनने का लायक नहीं है। इसी की वजह से हम न्यू चेंज कर दिए हैं, तो पुराना वाला ही मतलब लिए हैं, ओरिजिनल क्रैंक है। तो अब दोस्तों इंजन जो है उसको हम कर रहे हैं ओवरऑल, और उसमें आप सभी को दिखाएंगे कि मैं दिखाई दिया हूँ कि कौन कौन सा पार्ट उसमें हम चेंज किए हुए हैं। अब चलिए इंजन को एक बार स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाएंगे कि उसका कैसा साउंड हुआ है और कैसे चल रहा है।